Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. आज से दो दिन पहले जब मैं जलसे आम से खिताब कर रहा था औरंगाबाद में, तो जलसे से खिताब करने के बाद जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो हसबे आदत, क्योंकि हमारी पार्टी का इंतजामी निशान पतन है, मैंने आवाम को अपनी पार्टी का इंतजामी निशान उनके दिलो दिमाग में पहुंचाने के लिए, आवाम को समझाने के लिए हम जो और आप मिलकर करते हैं जलसे के बाद, मैंने ऐसा खींच बताया। तो उसके बाद किसी एक जोकर ने वो वीडियो डालकर पीछे एक म्यूजिक लगा दी, और हमारे जलसे में कोई म्यूजिक उस वक्त था नहीं। 10 बजे के बाद तो स्पीकर चलता ही नहीं है। 10 बजे के बाद आपको इलेक्शन का कानून है कि आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो मुझे हैरत इस बात की है, थोड़ी तकलीफ की है कि जिस किसी ने भी वो वीडियो बनाया, आपने बदनीयती पर और गैर जरूरी आपने हिमाकत की और वीडियो में म्यूजिक डालकर ये दिखा दिया कि असदुद्दीन ओवैसी डांस कर रहे हैं। अजी आप पूरे नेशनल मीडिया के टीवी चैनल दिखा रहे हैं उसको कि असदुद्दीन ओवैसी शेरवानी में मलबूस है, चेहरे पे गाड़ी है, सर पे टोपी है और वो डांस कर रहे हैं। आप बताइए कि मीडिया को भी तो सोचना चाहिए कि 10 बजे के बाद कोई लाउड स्पीकर चलता ही नहीं है। मगर मैं अपने तौर पर यह वजाहत करना चाह रहा हूं कि मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मैं ये डांस और म्यूजिक से बहुत दूर हूं, बहुत दूर हूं। अगर कोई करता है तो उनका जाति फेल है, वो जाने, जमहूरियत है। मगर जहां तक मेरी बात है मैं उससे बहुत दूर रहता हूं। और जब कभी भी मैं किसी शादी में भी जाता हूं हैदराबाद में, अगर लोग वहां पर ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई 5 मिनट के लिए रोक दो, मैं नौशा से मिलकर चले जाता हूं। तो ये मेरा पोजीशन है। और अगर किसी को इत्तेफाक है बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी आपका जमहूरी हक है। मगर इस तरह का वीडियो पूरे मुल्क में वायरल कर देना और पूरे मुल्क के कोने कोने से नौजवान जो म्यूजिक सुनते वो मेरे को फोन करके पूछ रहे क्या डांस करे भाई आप, मैं बोला कहां कर रहा प्यारे, बोले नहीं आप यूं करें, मतलब वो तो हमारी खींच है पतंग को दिखाने के लिए। बोले वो क्यों करे, वो इसलिए मैं करता हूं ताकि हम बीजेपी और शिवसेना के पद को काट के निकल के अपनी उम्मीदवार को जाए, दिखाने का मकसद वही है। तो बोले अरे अरे नहीं मालूम था, हम समझे आप भी हमारे ऐसा। मेरा नहीं भाई, ये हमारा काम नहीं है। हम जो है यकीनन, मेरे दिल को सुकून मिलता है जब मैं किसी कारी की खिराक को सुनता हूं अल्लाह के कलाम को, जब मैं किसी खूबसूरत आवाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नाद पढ़ते सुनता हूं, यकीनन झूमता है आपका जिस्म। और जब अल्लाह का कोई जिक्र करता है और हल पर अल्लाह कहकर जिक्र करता है तो वो भी और असर होता है। और मैं जिस शख्सियत को चाहता हूं वहां पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता म्यूजिक का। तो इसलिए वो वीडियो पे ज्यादा तवज्जो मत दो। वो वीडियो में अगर कोई चीज देखना है तो 21 तारीख को खाली खींचना है सर। तो मैं मीडिया के आज से फिर से बोलो, देखो आप कोई म्यूजिक नहीं है, अब मैं खींचूंगा, पूरी आवाम खींचेंगी मेरे साथ। चलो कोई डांस नहीं है, ये कोई डांस नहीं, ये हमारी मोहब्बत जज्बे का इजहार है। तो ये क्लियर करना जरूरी था। अब मेरे जाने के बाद भी 21 तक खींचते रहना आप लोग।
और फिर पांच साल नासिर सिद्दीकी डॉक्टर को अरुण बोर्डर को जहां रोड पे मिले उनको खींचना, काम नहीं हुआ, करो काम। इलेक्शन में तो आप खींच मार के इनको जिता दिए, बीजेपी को शिवसेना को काट के, पांच साल इनको और उनके दलील को खींचते रहना, और अगर इनको खींचम तारी करे तो मेरे को बोलना, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, करना ही नहीं इनसे, डायरेक्ट मेरे को बोलना कि साहब जरा खींचम तारी करे तो मैं हैदराबाद से खींचू इनको। ये मतलब है खींच का। हम म्यूजिक लगा दिए, वो कर दिए, अरे बाबू हमारे सामने लोग नाचते, हम नहीं नाचते, हम नचवाते। सियासी तौर पर बगैर म्यूजिक के हमारी तकरीर सुनते ही बेचैन शुरू होते, रात में नींद नहीं होती, चलते क्या हो रहा, मजलिस का इतना बड़ा जलसा हो रहा है, आखिरी रैली है हिंदुस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, पांच बजे से पहले कहीं पर भी मुल्क में इतनी बड़ी इतना बड़ा जलसा नहीं होता, वो चीज हमारा बात कर देता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, अब आपसे मेरी गुजारिश यह है कि अब आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी मां और बहनों से गुजारिश है कि 21 तारीख को आप बाद नमाज फजर अपने घर में, यकीनन बुजुर्ग है उनके इंतजाम, खाने का इंतजाम करके उन तमाम बुजुर्गों को लेकर आप पोलिंग बूथ को जाइए और अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। नासिर सिद्दीकी हो, अरुण बोर्डे हो, डॉक्टर कादरी हो, इन तमाम की कामयाबी का पूरा दारोमदार हमारे पोलिंग परसेंटेज के ऊपर है। मैं खुद से आपसे कह रहा हूं, और जमहूरियत इस बात की आपको इजाजत देती है कि जिस किसी का नाम है वो पोलिंग बूथ को जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करे। तो मेरे भाई और बहनों, मुझे आप लोग से उम्मीद है कि आप अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करेंगे। असेंबली का इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्शन से ज्यादा अहम है, ये रियासत का इलेक्शन है, ये औरंगाबाद के शहर के मुस्तकबिल का फैसला करने वाला इलेक्शन है, ये यहां का इलेक्शन है, यहां पर आपको पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हरगिज हरगिज खुशफहमी का शिकार मत होइए, या अपने दिलो दिमाग में इस बात को मत रखिए, अरे इम्तियाज को जिता दिए ना भाई, अब क्या नहीं, वो इलेक्शन आसान था, ये इलेक्शन अहम है, ये इलेक्शन में मुकाबला है हमारा बीजेपी शिवसेना, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और एक अहम बात कि जो मजलिस की मुखालिफत में जो अराकी ने बल्दिया काम कर रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल अलग ऐलान कह रहा हूं कि आपका अख्तियार है, मगर याद रखो इंशाअल्लाह ताला जब बल्दिया का इलेक्शन आएगा तो मैं उस बल्दिया की कॉन्स्टिट्यूंसी में तीन तीन घंटे के वार्ड में घर घर जाकर दौरा करूंगा, हर वार्ड में जाकर धंधा मारकर दौड़ूंगा कि ये सरकार था, ये हमारे इतिहास का दुश्मन था, इसका साथ मत दो, अभी भी वक्त है, रुक जाओ, वरना तुम इस इलेक्शन में जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम किसी के इशारों पर कठपुतली बनकर हमारे औरंगाबाद की मुबारक सरजमीन के असीम इतिहास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो औरंगाबाद की मिसालें, औरंगाबाद की आज शनाख्त पूरे हिंदुस्तान में इसलिए दी जाती है कि यहां पर वंचित और अकलियतों ने मिलकर वो काम कर दिखाया जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कर दिखाया था। तो ये लोग जो आज भरे इलेक्शन में, मैं इनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि आज आप कर लेंगे, कल जब बल्दिया का इलेक्शन होगा तो याद रखो सलाहुद्दीन ओवैसी, जहां पर मैंने अपना पसीना यहां पर टपका है, इस औरंगाबाद में मेरा पसीना है, मेरा खून है, मेरी दुआएं है, मेरे अरमान है, आप याद रखो मैं औरंगाबाद के इतिहास के लिए कुछ भी कर सकता हूं, जरूरत पड़ी तो अपनी जान को भी कुर्बान कर सकता हूं। मेरी आपसे दरखास्त है कि
ये मीर जाफर और मीर सादत जिन्होंने हमेशा पीठ पर खंजर भोपा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कर्बला के मैदान में नवासे रसूल की गर्दन को काटा था। ये वो लोग हैं कि हर वक्त में इन्होंने गद्दारी की, मुनाफिकत की, टीपू सुल्तान से गद्दारी की। अरे इनकी मिसालें हैं, हमको नुकसान अभियानों से नहीं है, नुकसान घर में बैठे हुए उन मुनाफिकीन से होता है जो प्रसिद्ध है। जो अपना ईमान बेच चुके, जो अपना जमीन बेच चुके चंद पैसों के टुकड़ों के लिए, तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारा जरूरी अख्तियार है। जबकि एनआरसी से पहले अप्रैल 2020 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम शुरू होगा। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं, मैं तहखुन देता हूं, इनकी टीम बनाकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद के हर शख्स का नाम, चाहे वो किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो, किसी जात से कास्ट से उसका ताल्लुक हो, उन तमाम के नाम जो अपने घरों में खयाम पसीर है, उनका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नाम आना चाहिए और आएगा। मजलिस इस सिलसिले में पेशरफ करेगी, मजलिस इस सिलसिले में आपकी रहबरी करेगी और ये काम करेंगे। एनपीआर का पहले काम हो जाएगा तो फिर जब एनआरसी को लागू करेंगे, एनआरसी का बेस बनेगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये बात मैंने यहां पर नहीं कही थी, इसलिए इस मौके कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम अप्रैल 2020 से शुरू होगा। इस सिलसिले में हम तमाम को चौकन्ना रहकर मिलकर पूरे जितने हर घर में जो रह रहे उनका नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में लिखवाना है और हम खुद इसमें आप तमाम का साथ देंगे, रहबरी करेंगे पूरे जमात के जिम्मेदार। और जो पढ़े लिखे नौजवान, जो वकला, जो टीचर्स, जो डॉक्टर्स हैं, जो इस काम में अब हमारा ताउन करना चाहते हैं, पैसों से नहीं, सिर्फ आपका टाइम पर लोगों को स्टेटलेस बनाया जाए, उनके ही मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की बिना पर उनको स्टेटलेस बनाने की कोशिश इनका मंसूबा फेंक रही है। इंशाअल्लाह ताला ये वही एनआरसी बीजेपी के गले का सांप बनेगा इंशाअल्लाह। जिस तरह आसाम में बन गया, अब पूरे मुल्क में तुम्हारे लिए गले का सांप बनेगा। हम भी देखेंगे किसका नाम निकलता है, किसका नाम रहता है। हम जरूरी तरीके से हर एक का नाम आएगा जो हिंदुस्तान में है, जो शहरियत है, जो यहां पर सब कुछ है।
एनआरसी से हमको डरने की जरूरत नहीं है, मगर इनके मंसूबे नापाक, इनके मंसूबे नापाक है। वो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुभाना और ताला की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह इन लोगों को शिकस्त देगा, अल्लाह इनके मंसूबों में इनको नाकाम करेगा और यकीनन ये तमाम के तमाम जलील और रुस्वा होकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी, जब मौर्य हिंदुस्तान की तारीख लिखेगा तो कहेगा कि हाँ एक जमाने में इस मुल्क में फिस्ताई और फिरका परस्ता खुद इख्तदार पर थी, मगर मौर्य लिखने वाला तुम्हारे इन दास्तानों का जिक्र नहीं करेगा, बल्कि एक नुक्ते की तरह सिर्फ तुम्हारा तारीख में जिक्र होगा। मुझे यकीन है कि इनको शिकस्त होगी, ये अपना शिकस्त इनके मुकद्दर में लिखा जा चुका है और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील की कामयाबी कोई मुसलमानों की कामयाबी नहीं थी, इम्तियाज जलील की कामयाबी सिर्फ मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की कामयाबी नहीं थी, बल्कि इम्तियाज जलील की कामयाबी बहसियत रुकने पार्लियामान औरंगाबाद के उस आवाम की कामयाबी थे जो औरंगाबाद का डेवलपमेंट देखना चाहते थे, जो औरंगाबाद में शिवसेना और बीजेपी के फिरका परस्ती के पैगाम से तंग आ चुके थे, वो उनकी कामयाबी थी। यहाँ से इम्तियाज जलील की कामयाबी हमारे दलित समाज के उन नौजवानों की उनके बहनों की कामयाबी थी जो ये देखना चाहते थे कि वंचित समाज एक जगह पर जमा हो जाए। मैं आपको तरक्कुम दे रहा हूं कि अल्लाह ने इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर खादरी को, नासिर सिद्दीकी को और अरुण बोडे को कामयाब करेगा तो ये कामयाबी औरंगाबाद की कामयाबी होगी। औरंगाबाद की कामयाबी के लिए मैं औरंगाबाद की आवाम से दरबंदाना भी कर रहा हूं कि आप इनके इंडेक्स को देखो, इनके काम करने के जज्बे को देखो। आपने 5 साल डॉक्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में और अरुण बोडे की कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी और को वहां पर मुंतखब किया, आज जहां से डॉक्टर गफ्फार कादरी इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां के लोग आकर डॉक्टर कादरी से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आइए और आकर उनसे वादा करिए कि जीतने के बाद आप यहाँ पर ये काम करवाएंगे। मैं लोगों को सलाम करता हूँ कि आपके दिल में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के ताल्लुक से जो बीजेपी और शिवसेना आरएसएस नफरत पैदा करना चाहती थी वो उसमें नाकाम हो रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह उनके इस मंसूबे में उनको नाकाम करेगा। मैं औरंगाबाद की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि आपने हमेशा असेंबली के इंतखाबात में सेंट्रल की सीट तो मजलिस ने जीती, वहां पर इम्तियाज साहब ने क्या काम करवाया अभी आपके सामने जिक्र किया। मैं इस बात का इकरार भी करता हूँ कि अभी काम होना बाकी है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम वो काम कराएंगे। औरंगाबाद में डेवलपमेंट के काम सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के महापौर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वजह से ये काम रुके हुए हैं, मजलिस इंशाअल्लाह ताला लड़कर वो तमाम कामों को पूरा करेगी जिसके मुस्तहक औरंगाबाद की आवाम है, जिसके मुस्तहक औरंगाबाद के गरीब है, जिसके मुस्तहक औरंगाबाद के हमारे नौजवान है और ये काम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ही कराएगी। बीजेपी शिवसेना से नहीं होने वाला है, 5 साल इनका चीफ मिनिस्टर था, इख्तदार था, बताइए इनको क्या करना चाहिए था औरंगाबाद के लिए और कुछ नहीं किया। मजलिस के नुमाइंदे कामयाब होकर जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की विधानसभा में इन मुतालिबात को उठाएंगे, डेवलपमेंट के नाम पर लड़ेंगे और जिस किसी की हुकूमत होगी हम उनके पास जाकर नुमाइंदगी भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो औरंगाबाद की सड़कों पर निकलकर एहतजाज करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं औरंगाबाद की आवाम से आज जो यहाँ पर हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद है, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें भी अपने घर में बैठकर मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको भी इत्मीनान दिलाना चाह रहा हूँ मेरी माँ और बहनों कि आपकी दुआओं की जरूरत है,
आपकी सरपरस्ती की जरूरत है। यकीनन आज मैं किसी दौरा कर रहा था हमारे जो बिल्डर के वार्ड में, तो वहां पर एक जईफ औरत से मुलाकात हुई। मैंने सलाम किया अम्मा को और उस जईफ औरत ने मुझसे कहा कि तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ औरंगाबाद की तीनों सीट पर मजलिस कामयाब होगी। के बाद में हम गए तो वही एक गिरनी की दुकान पर हमारा एक शेड्यूल कास्ट का भाई था जिसने इम्तियाज जलील के इलेक्शन में मुझे अपनी गिरनी की दुकान में बुलाकर बगलगी होकर कहा था कि भाओ तूने हमारे समाज का नाम रोशन किया, यहाँ से इतिहास को हम कामयाब करेंगे। आज मैं जब उससे मिला था मैंने कहा बताओ भाओ अब क्या होने वाला है, तो कहा कि 3-0 होने वाला है, तुम तीनों सीट पर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करोगे। हमको पहचान जब हमारे दलित भाइयों से मिलता है तो यकीनन हमारे दिल में इत्मीनान पैदा होता है, एक खुशी होती है और एक उम्मीद पैदा होती है कि जो हमारा ख्वाब है कि न सिर्फ महाराष्ट्र का बल्कि पूरे वतन अजीज में कमजोर और मजलूम आवाम का एक सियासी प्लेटफॉर्म बनना चाहिए ताकि उनके ओटों से उनके मुंतखब शुदा नुमाइंदे ऐवान असेंबली में जाकर इन मजलूम आवाम की आवाज बन सके और उनके लिए एहतजाज कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, याद रखिए कि 5 साल से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत नाकाम साबित हुई है और इनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस कमजोर और खत्म होने के दहाने पर आ चुकी है। आज आप देखते हैं कहीं पर भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी नहीं, इसीलिए बीजेपी के लिए मन में शिवसेना बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं कर रहा है। मुकाबला तो सिर्फ औरंगाबाद की सरजमीन पर हो रहा है, मुकाबला तो यहां पर बड़े सलीके के साथ और मुनज्जम तरीके से मुकाबला किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र की सियासत में एक वैक्यूम है, अपोजिशन स्पेस है, उस अपोजिशन स्पेस को हमको हासिल करना है। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में किसानों ने खुदकशी की, बताइए इसका इनके पास रोकने के का कोई तरीका इनके पास नहीं है। आज हिंदुस्तान में पूरी इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, लोग का कारोबार नहीं है आवाम के पास, लोगों के पास परचेजिंग पावर खत्म होता जा रहा है। आज हर आदमी परेशान है, इसलिए परेशान है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने इस तरह का काम किया कि आज नोटबंदी के नाम पर, जीएसटी के नाम पर हिंदुस्तान की माशियत, हिंदुस्तान की इकॉनमी जो गरीबों पर एक बोझ बन चुकी है, आपको इसका भी सोचना पड़ेगा। सोच कर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के अपने करने की मैं अपील करता हूं। और आखिर में उद्धव ठाकरे का जवाब आपको देना, उद्धव ठाकरे ने असदुद्दीन ओवैसी को हरा साथ कहा और उद्धव ठाकरे ने कहा कि औरंगाबाद से हरे झंडे को निकालकर फेंक दो, मैं औरंगाबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं। मैं सिर्फ औरंगाबाद के मुसलमानों से नहीं अपील कर रहा हूं,
तारीफ करें, उद्धव ठाकरे का जवाब देना है पोलिंग बूथ को जाकर, और जाकर आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या सदरुद्दीन ओवैसी साफ है, क्या सदरुद्दीन ओवैसी की जमात को यहां से शिवसेना के सदर कहते हैं कि हम इनको निकाल कर फेंक देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तौहीन पूरे औरंगाबाद की आवाम की है, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने दिल से लगाया, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ना सिर्फ अपनी दुआओं से बल्कि अपने हर चीज से इस जमात की सरपरस्ती की। मेरी आपसे गुजारिश है कि शिवसेना के सदर का आपको जवाब देना है, और आखिर में सुनो मेरी इस बात को, इत्तेहाद की अहमियत में आपको एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ये रांची का तबरेज अंसारी का वाकया आपके सामने है। अगर अल्लाह तबरेज अंसारी की रूह को इजाजत देगा तो तबरेज अंसारी की रूह औरंगाबाद की आवाम को पुकार पुकार कर कह रही है कि जब मुझे पकड़कर रस्सियों से बांधकर जब मुझे पीटा जा रहा था, तो जब तक मैंने अपना नाम सोनू कहा मुझे नहीं मारा गया, और जब मैंने अपना नाम तबरेज अंसारी कहा तो जालिमों ने शयातीन ने मुझे इसलिए खूब मारा, रात भर मारा, इसलिए कि मेरा नाम तबरेज अंसारी था। मेरी जान चले गई, मेरी जान इसलिए चले गई कि मेरे सर की खोपड़ी में तीन जगह पर फ्रैक्चर आ गया था, मैं उसके वजह से मेरी मौत हो गई। तबरेज अंसारी की रूह औरंगाबाद की आवाम तुमसे कह रही है कि जब मुझे मारने वालों ने मारा तो मुझसे ये नहीं पूछा कि तू अंसारी है, क्या तू सुन्नी है, क्या तू सूफी है, क्या तू बरेलवी है, क्या तू देवबंदी है, या फिर तू सलफी है। नाम जब तक सोनू था तो मार कम पड़ते थे, मगर जब तबरेज अंसारी का नाम निकला मेरी जबान से तो दुश्मनों ने मुझे एक समझा। औरंगाबाद की आवाम तबरेज अंसारी की रूह तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि मुत्तहिद हो जाओ, मसलक पर रहो, मगर मसलक के नाम पर और इख्तलाफात मत पैदा कराओ। वतन अजीज में बेशुमार मसाइल है, बेशुमार चैलेंजेस है। आज तबरेज अंसारी की बीवी हमारी बेटी आज बेवा हो चुकी है, वो 19 साल की बच्ची जिसके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरा था, आज वो भी तुमको पैगाम दे रही है कि दुश्मनों ने तबरेज को एक समझ कर मारा, तुम अगर एक हो जाओगे तो मारने वालों को पैगाम मिल जाएगा कि तुम हमारे नाम पर हमको डिवाइड नहीं कर पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तबरेज अंसारी की रूह हर हिंदुस्तानी को पुकार कर कह रही है, ये गांधी और अंबेडकर के मुल्क में ये कौन नाथूराम गोडसे के जानशीन आ चुके हैं जो मुझे नाम पूछ कर मारते हैं और मुझसे कहते हैं कि पूरा नारा लगाओ, बचाओ भारत को, जिसके दिलों में अंबेडकर बाबा साहेब अंबेडकर की महब्बत है, जो गांधी के उसूलों पर चलना चाहता है, जो संविधान को बचाना चाहता है। मैं तुमसे कह रहा हूं अगर वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो याद रखो ये मुल्क गांधी का नहीं रहेगा, ये मुल्क अंबेडकर का नहीं रहेगा, खुदा ना खास्ता ये मुल्क गोडसे की औलाद का मुल्क ना बन जाए। ये भारत है, ये हमारा मुल्क है जिसको हमने सीने से लगा कर रखा, इसके चप्पे चप्पे पर हमने अपने खून से इसको सींचा, इसके चप्पे चप्पे पर हमारे अख्लाक की निशानियां है। इस मुल्क की आजादी के लिए हम तमाम ने मिलकर गांधी के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, नेहरू के साथ, हमने जौहर बागराम के साथ, मौलाना आजाद के साथ, अल्लामा फजल खैर आबादी ने इस मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, रेशमी रुमाल की तहरीक में मौलाना महमूद हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अरे कितनी अजीम शख्सियतों का मुल्क है, बचाओ इस मुल्क को, मुत्तहिद रहो और अपने के कौम का इस्तेमाल करो, शिकस्त दो इन फिस्ताई और फिरका परस्ता पतों को जो हिंदुस्तान की रूह को खत्म करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुभान व तआला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को
जहां जहां से हमारा उम्मीदवार है अल्लाह अपने फजल और करम से मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को अल्लाह कामयाब कर दे। मैं अल्लाह से भीख मांगता हूँ कि यार अमर राहमीन आप करम फरमा दीजिए, या लतीफ आप रहम कर दीजिए, लोगों के दिलों को मोड़ने वाले आप है अल्लाह। मैं तो तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, मेरी जबान से कई मरतबा गलत अल्फाज भी निकल जाते हैं, अल्लाह मेरी गलतियों को माफ फरमा दे, दिलों में मजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दे, अल्लाह दिलों से जालिमों का खौफ निकाल दे, अल्लाह हमारे दिलो दिमाग से वक्त के फिरौन वक्त के नवरूंगों का उनका इक्तदार का जो नशा है उनका खौफ निकाल दे, अल्लाह इन जालिमों के इनके मंसूबों में शिकस्त दे दे, परवरदिगार इन जालिमों के मंसूबों में शिकस्त दे दे, अल्लाह इनके ताकत से इनके जुल्म से इनके शिर्क से हमको बचा ले, अल्लाह हम बेसरो सामानी के आलम में मुकाबला कर रहे हैं, परवरदिगार तू जानता है कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम में दो दीवाने खड़े होकर तौहीद और रिसालत की गवाही देते हैं, अल्लाह हम चीज कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तहजीब में हमारे तमद्दुन में कोई फर्क नहीं आया, अल्लाह हम तादाद में कम है मगर हमारे दिलों में खौफ इसलिए नहीं है कि हम तेरी जात को तवक्कल करने वाले हैं, अल्लाह तू हमारे लिए काफी है, अल्लाह तेरे हबीब ने हमको सिखाया कि जब दुश्मन कभी हो और दुश्मन ताकतवर हो तो अपनी जबान से आका ने सिखाया कि बोलो कि हसबुन अल्लाह व नेमल वकील, वो नेमल मौला व नेमल नसीर, अल्लाह हम हसबुन अल्लाह व नेमल वकील कहते हैं, अल्लाह तो हमारे लिए काफी है। परवरदिगार इस गुनाहगार की दुआ को सुन ले, अल्लाह इस गुनाहगार की दुआ को सुन ले, अल्लाह जब मेरा खातिमा हो तो मेरा खातिमा खैर पर हो, अल्लाह जब इस जमीन में जाऊंगा अल्लाह तुझे तेरे हबीब का रास्ता मुझे औरंगाबाद की सरजमीन अता कर दे, मुझे यहाँ की सरजमीन अता कर दे, अल्लाह यहाँ की सरजमीन पर बसने वाले हर बूढ़े जईफ बच्चे हमारी बार बहनों की दाद रखे, अल्लाह में